सनातन धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस त्योहार को कई सालों से मनाया जा रहा है और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हर भाई बहन इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की नोक झोंक में रक्षा का वचन भी छिपा हुआ है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो साल में एक बार आता है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जिसे जिंदगी भर पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है। कहते हैं कि चाहे किसी भी रिश्ते में दरार आ जाए, लेकिन भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन की डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। लेकिन रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया रहेगा। 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर भद्रा शुरू होगी और रात को 9:01 तक रहेगी। कुछ लोग भद्रा में राखी बांधना अशुभ मानते हैं, इसलिए भद्रा से पहले या उसके बाद राखी बांधी जा सकती है। चलिए आपको राखी बांधने का अब शुभ मुहूर्त बताते हैं। पंचांग के भद्रा की वजह से 30 अगस्त को राखी बांधने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 10:58 पर शुरू होगी और इसके साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में रात को 9 के बाद ही राखी बांधने का मुहूर्त है। वहीं 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्रा का भी साया नहीं रहेगा। ऐसे में 31 अगस्त को सुबह 7 से पहले राखी बांधना शुभ होगा। भद्रा की वजह से ही इस साल राखी का त्योहार 30 और 31 अगस्त दो दिन मनाया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और इसकी वजह से रावण का कुल का नाश हो गया। तभी से ये मान्यता है कि भद्रा काल में भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस काल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है और उसे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ भी करने से पहले आप अपने पंडित जी या ज्योतिष आचार्य से सलाह जरूर लें।